ये आवाजें आती है जब हम ब्रेक पे चले जाते हैं और जब ब्रेक से वापस आ रहे होते हैं, एक शोर होता है, टाइटल टाइटल। ओहो, देखे मैं आपको ब्रेक पे भी जो हालात होते हैं उसकी भी बात बता देती हूँ भाई। आप जब रहते मेरे साथ है तो समझे ब्रेक पे नहीं भी हैं तो फिर ब्रेक पे समझे साथ है हमारे। क्या बात है जी, एक वक्त हुआ चाहता है मेरे दोस्त को बुलाने का यहाँ पे। वो दोस्त की मैयत पे मैं पहले रो चुकी हूँ। लव लाइफ लाहौर में डेथ हुई इनकी, जिनकी रूह को आज हमने बुलाया यहाँ पे। बहुत रोए बहुत रोए बहुत रोए। और एक सच्ची बात बताऊँ, हम जब एक्टिंग कर रहे होते हैं ना और कोई इस तरह का कैरेक्टर अगर किसी को दिखाना होता है, क्योंकि माई सेल्फ मैं नहीं इस चीज़ को आगे फॉलो करती कि मैं नाक में रुइयाँ डाल के लाश बन के लेट जाऊँ। ठीक है, एक अगर लाश दिखानी है वो कर लेती हूँ, मगर मैं ये तकलीफ दे चीज़ लोगों को नहीं दिखाती कि लाश देख के नाक में। वो लोग अपनी चीज़ फील करते हैं, कोई अपना बेटा याद करता है, कोई अपनी बेटी याद करती है अगर लड़की है, कोई फील करता है कि मेरा मियाँ। तो ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए वैसे टीवी पे मैं, मगर तौबा करना चाहिए। जब ये बने थे, इनकी लाश बनाई गई थी, इनको मैयत की तरह बिल्कुल लिटाया गया था और सारे सीन में लव लाइफ लाहौर में रो रहे थे इनके ऊपर। आप सोच नहीं सकते कि एक ऐसी कैफे थी कि आधा घंटा या एक घंटे तक के लिए तो मैं कहीं कोने में घुस के रो रही थी, कोई कहीं जा के रो रहा था। इनको देख के हमारे हवास ख़त्म हो गए थे। बुलाते हैं, देखते हैं इनकी रूह खुश है कि नहीं है। अली अंजुम, लव लाइफ लाहौर के हमारे प्यारे से कैरेक्टर, प्लीज़। अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक रूह का कैरेक्टर जो है वो आज हमारे पास आए। आपकी रूह खुश है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी खुश हूँ, रूह भी खुश है। वो कैरेक्टर था मेरा। कितना रुलाया आपने। ठीक है, बातों से कैरेक्टर रुलाता है, अपनी एक्टिंग से रुलाता है। आप तो मैयत की तरह लेट के रुलाते हैं यार। सबसे पहले तो सुबह बखैर सबको मेरी तरफ से। क्या बात है, जितने लोग देख रहे हैं उनको। 11 बजने वाले हैं, सुबह बखैर। लेट उठूंगा, लेट सारी सुबह बखैर के। लेकिन हमारे लिए तो सुबह है ना, हम मॉर्निंग शो कर रहे हैं सुबह की फिजा में, तभी तक सुबह है क्योंकि फिजा के रंग ऐसे हैं कि आपकी पूरे पूरे दिन को मुअत्तर कर देते हैं। फिजा का मतलब ही जन्नत, चांदी है। जन्नत तो दिखानी है ना आपको इंशाल्लाह, चांदी के रंग में रहना। आपने दबंग के बिल्कुल चुलबुल तब पांडे लग रहे हैं आज आप, मुझे आपको पता है। अच्छा जी, बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू। और है तो आप वैसी खूबसूरत, पर्सनैलिटी तो वैसी अच्छी है। शादी शुदा है ये भी बता दे जरा। हाँ, मैं बिल्कुल मैरिड हूँ। मैंने कहा ये ना हो कि एक रिश्ता उधर हम सोच रहे हैं, इधर भी कोई कॉल्स आ जाए। इतने फूफू लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं। ग्लासेस तो जरा लगाने चाहिए मेरे सेट पे, इतने प्यारे लग रहे थे आप, एकदम से उतार दिए हैं। हाँ, जल्दी बता दे शादी शुदा है, फिर मैंने आगे बताना। सीटियाँ इधर बजा रहे थे ये। मैं सीटी, मुझे फैजा ने इशारा किया था प्लीज यहाँ पे किसी को विसल बजानी आती, मैंने वहां से इसलिए। अच्छा, सीटी पर इनको देख के बजाइए। जरा इधर आइएगा, पास आइएगा। कैसे लगे आपको ये चलेंगे? कैसी है मेरी बहन, आप ठीक ठाक? बहन हो यहाँ लगाई थी चीख की आवाज जो मैंने बजाई है, बजाओ चीख। हाँ जी, क्या हुआ? माइंड कर दिया? माइंड कर दी? हाँ, है आपने बात ही ऐसी की माइंड करने वाली बहन, क्या ना माइंड करने वाली बात है तो और क्या। एकदम किसी को बहन कह देना तो वो एकदम एकदम नहीं कहते। अच्छा फिजा जी, बहुत मजा आया आपके प्रोग्राम में आके। आप मेरी बहन है, अब ठीक है? एक छोटा सा गैप ले लिया। एक बहन नहीं कहना चाहिए भाई, बहन सिर्फ अपनी होती है। गैरों को बहन ना बनाया करे। मैं खुद किसी की बहन नहीं बनती, मुझे नहीं पसंद। ना मैं किसी को भाई बनाती हूँ। भाई सिर्फ वही है जो मेरी अम्मी के पेट से पैदा हुआ है, मेरा भाई है, सगा भाई है बस। बाकी कोई मेरा भाई नहीं है, इसलिए मैं सबको दोस्त कहती हूँ। मेरे कॉलर्स भी सारे दोस्त हैं, कोई भाई भाई नहीं होता। अच्छा चले, आप जो भी हैं, अपने भाई की बहन, अपने भाई की बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाबो। गुलाबो, हाय हाय। गुलाबो के लिए हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अच्छा हाँ, आप तो दूसरी शादी पे नहीं? नहीं, नहीं, अल्लाह रहम करे, और मैं नहीं अगर इतना आटा ला भी नहीं सकता। नहीं, मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लूंगी। आप इतना ना लेके आना, लेकिन अंदाजन कितना कंट्रोल करेंगे? जहाँ पे मैं चार पराठे खाती हूँ वहाँ पे तीन कर लूंगी, इतना ही कर सकती हूँ। हद होती है गुलाबों, अभी नहीं मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। तीन पराठे डेली पकाएं तो 2 किलो आटे के बनते हैं, और 2 किलो आटा डेली लगाएं महीने के 30 दिन, माशाल्लाह, और 30 को 2 से ज़रब दें तो बस फिर पूरी तनख्वाह तो पराठों में गई। पूरी तनख्वाह पराठों में गई। मुझे ये बताइए आजकल क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके माशाल्लाह से? लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, लाइक उर्दू में बात करनी है। एक निजी चैनल, कुछ बैठ के बात करने के? बैठ थोड़े उर्दू में बात करते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ उर्दू में बैठ जाए। नहीं, उर्दू में
अली अंजुम जी खड़े होके बात करेंगे, टहल के बात करेंगे, बैठिएगा। हाँ जी, टहल टहल के बात करें। आज मेरे साइड पे टहल टहल की गुफ्तगू होगी। तो बात इस तरह है कि मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है एक निजी चैनल से, बानो बाजार, और लव लाइफ लाहौर में तो आप लोगों ने मुझे मार ही दिया, मेरी डेथ पे रोए भी। अभी फिजा बात कर रही थी लव लाइफ लाहौर की, उसका एक बड़ा मजेदार वाकया कि जब मेरी डेथ सीन कर रहे थे तो बहुत गर्मियाँ थी, हम लोग बहुत गर्मी में, अब लोग पहले मैं बताती हूँ कि आज मुझे बात आ गई है, इनकी नाक में जब रुई डाली थी हम लोग रो रहे थे, बिल बिला रहे थे, असली में रो रहे थे क्योंकि हर एक को कोई ना कोई याद आ रहा था। तो जब हमें होश आया, ये नहीं बताते इनको नहीं याद ही, कोई और बात बता रहे। अच्छा जी, तो इनकी बात ये बताना चाह रही हूँ, सो गए थे ये, सो गए थे, इनको हिला हिला के जुल्फकार साहब ने उठाया था कि उठो। मजे की बात ये है कि जब ये रो रहे थे, पूरा ट्रेजेडी सीन चल रहा था, हम लोग सारे ये रो रहे हैं, और मैं भी फील कर गया एक दफा, क्योंकि आप डेथ बेड पे लेटे हुए हो, जनाजे की चारपाई और नाक के अंदर हुई कफन पहना हुआ, रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पा रही थी, खटखटाने की आवाज है, मैं डर गया ना। तो उसने उसके बाद इन्होंने जब देखा तो थोड़ी देर बाद मैं रिलैक्स हो गया, लेटा था, गर्मी थी, पंखा चल रहा था, तो मैं सोया, मेरे नाक में रोई थी, मैं सोने की वजह से बाहर गिरी और एक एक लाफ्टर आया बहुत बड़ा सा, रोते रोते खा खा मैं, क्या हो गया, मैं उसे देखकर कहते भाई आपकी रोई दी थी वो बाहर जा चुकी है। मजे की बात आपको बताऊं, मेरी नींद ऐसी है क्योंकि हम लोग डे नाइट शूट करते हैं, फंसे होते हैं, हमारी रातें कुछ और दिन कुछ, मतलब नींद के लिए टाइम नहीं मिलता, तो मैं सोता ऐसे हूँ कि मेरे पास अगर कोई तोप का गोला भी चल जाए तो मुझे पता नहीं चलता। आप इनको तो नहीं कह रहे तोप का गोला, आपसे बोल रही है, आपको बोल रहे तोप का गोला। कसम से गुलाबो जी, कसम से मैंने कुछ नहीं कहा, और आप सही कह रही थी, फिजा कमजोर है, हाय अल्लाह, मैं उनके साथ हूँ, अगर मेरे खिलाफ चलेंगी तो मैं भी खिलाफ चलूंगा। नहीं नहीं तोप का गोला नहीं है वो। नहीं नहीं वो उनको कब कहे गुलाबो जी, आपकी कितनी मंगियां हुई थी, पांच, पांचों के पांचों भाग गए। आपके खाने पे नजर रखते थे, इनके खाने पे नजर रखते थे, कह रही हूं। देखें, किसी के खाने पे नजर नहीं रखनी चाहिए, लेकिन खाने पे भी नजर नहीं रखनी चाहिए। इसका मतलब आप भी मेरे खाने पे नजर रखते नहीं, मैंने भी आपको खाते देखा ही नहीं। अच्छा। और अल्लाह ना करे कभी हमारी इस तरह मुलाकात हो किसी डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि मैं तो वाकई अब आपको क्या कहा जाए, जितनी डाइट कम हो भी कह सकते हैं, कहते हैं इंसान को उतना खाना चाहिए जितना वो चल फिर सके। सही बात है भाई, इतना नहीं खाना चाहिए कि वो चलने फिरने से भी अच्छा। बैठ ही जाए, पांच मंगनियां टूट जाएं, अच्छा। छठा लड़का मिल नहीं, इसलिए तो फिजा सर के पास आई ना कि मुझे ये ढूंढ के दें कोई लाइफ पार्टनर। वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं मसले सॉल्व कराती हूं, मैं सारे लोगों के टेंशन दूर करती हूं, शादियां भी कभी कभी करा देती हूं, मगर आप जो है ना, रिक्वेस्ट करती हूं, आप अपनी अम्मी को बोले, आपकी अम्मी बहुत अच्छा ढूंढ रही होगी। नहीं, मम्मा ने परमिशन दे दी है ना कि आप ढूंढे मेरे लिए, मैं ढूंढ बस ठीक है। और फिजा से अच्छा कोई रिश्ता ही ढूंढ सकता है, आपको पता है, मुझे पता है। और फिजा अब जिसके लिए जो कमिट करती हैं उसको पूरा करती हैं, ये मैं फिजा को जानता हूँ पर्सनली तौर पे, हम लोग इतनी देर इकट्ठे रहे हैं, और ये आप इनसे प्रॉमिस लेके जाएंगी ऑनियर कि आपके लिए रिश्ता यही ढूंढेंगे। लाइफ पसा रहा है ये, मुझे लाइफ पसा रहा है, ढूंढेंगी ना वो मेरे लिए रिश्ता, लाइफ पसा रहा है मुझे ये। क्योंकि आप देखें, अब पांच मंगनियां टूटने के बाद तो वैसे इंसान का दिल टूट जाता है, ओहो इतनी मेरे टेंशन, बर्तन नहीं टूटता जिसमें आप खाना खाती हैं, दिल टूट जाता है, दिल टूट जाता है। अली ये बताओ, आगे और किस तरह के कैरेक्टर्स करने हैं, क्या ड्रीम है, क्या लाइफ में क्या मोटो क्या है? मोटो देखें, एक्टिंग एक ऐसा समंदर है कि इसके अंदर तो जितना भी डूबते जाएं, क्या बात है, और जैसे जस्ट लाइक यू, मैं आपका फैन हूँ, यस यू, मतलब आप जिस तरह की कैरेक्टर करती हो, लड़कियों में एक ऐसी शेडेड लड़की हो आप, पता नहीं क्या क्या खेल जाती हो, आई लाइक इट, मतलब आपके जो कैरेक्टर्स हैं जिसके अंदर आप जैसे लव लाइफ लाहौर ही नहीं मान, क्या क्या शेड दे रहे हो आप, थैंक यू। तो इंसान की ख्वाहिश यही होती है कि अच्छे अच्छे, मेरा एक फिल्म गई है लंदन फेस्टिवल में, शॉर्ट फिल्म, अनअकाउंटेबल, क्या बात है, अनअकाउंटेबल, या इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर, मतलब साइको पर्सन है, ना चाहते हुए भी गलती कर जाता है, मतलब किसी से प्यार करता है, और वो प्यार उसी के दोस्त के साथ मंगनी हो जाती है, और ख्यालात का प्यार है उसको, उसको पता नहीं है कि ये लड़की वही है या वो, क्या जब देखता है सामने उसकी मंगनी पे तो वो लड़की सामने वो बैठी होती है, क्या बात है, तो वहाँ से फिर उसकी डेथ करनी शुरू करता है, फिर उसके बाप उसको क्लियर करता है कि ये साइको पर्सन, बड़ा मेरे लिए जिंदगी का सो डिफरेंट कैरेक्टर, जिसमें उसने गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, क्या बात है, लंदन से लड़का था राहिम, आहा, और उसने बनाई, उसमें गाड़ियों के शीशे तोड़े, स्टोर्स के शीशे तोड़े, और घर
बड़ी बड़ी LCDs तोड़ी, मतलब फुल हैवी प्रोजेक्ट। मतलब हम आपको बड़ी स्क्रीन पे बहुत जल्द देखने वाले हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लेकिन वो लंदन फेस्टिवल की शॉर्ट फिल्म है। अरे आप छोड़ दें, अब आप देखेगा बड़ी स्क्रीन पे, आपने यहाँ पे रच जाना है, छा जाना है। हमारे पास वैसे हीरो कम है, लोग ही कम है, क्या गिनती में आप चुन लेते। एक आपको मेहनत वाला काम देने वाली हूँ जी, बहुत आपके लिए आसान होगा क्योंकि आप बीइंग एक्टर इजीली आप बोलते भी बहुत अच्छे, टॉकेटिव भी हैं, तो वो आराम से कर सकते हैं। आपने मेरे शो का वाइंड अप करना है, खुदाफिज करना है, सबको इख्तिताम करना है, एक पूरा वाइंड अप देना है, और गुलाबो जी को भी जो है ना थैंक्स करना है, और गुलाबो जी को अपने साथ शामिल करना है ज़रा। हाँ जी, आइए यहाँ पर लाइव। और आपने लास्ट जो है ना जाने से पहले, प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले, एक्टिंग में गुलाबो जी को प्रपोज करना है, ये रिश्ता तो मैं करा नहीं सकती। अली अंजुम एक्टिंग में करना है, एक्टिंग में करना है, लेकिन वो शो के बाद पक्की होगी, मैं कहां जाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे बात पड़ेगी। अरे आटे की बोरियां मैं घर में भी समझा दिया करूंगी, मगर झूठी झूठी एक्टिंग करनी है, झूठी प्रपोजल की एक्टिंग, ताकि दिल खराब ना हो गुलाबो जी का। और वो मेरे पास आई है तो उनका कोई दूर से आई है, कहीं रस्ते में मिली आपको, और आप प्रपोज करें, उसके बाद शो का इख्तिताम करेंगे। मेरी तरफ से खुदाफिज, जीती और जीते रहिए। गुलाबो जी जी, आप शादी करेंगी मेरे साथ? हाँ जी, लेकिन मैं किसके साथ करूंगा? मेरे साथ नहीं, कहने का मकसद यह है कि हम लोग एक ही घर में रहेंगे। जाहिर है नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आप सबसे ज्यादा फंसा दिया मुझे शो का माइंड भी है कि सीधी सी बात है कि बेटियां सबके घरों में होती हैं, और बेटियों को जो लोग जुल्म करते हैं ससुरालों में, बहुत सारे वाकयात हैं हमारी अखबारों में, हमारे TV न्यूज़ पे जितने भी चलते हैं, इतना नहीं करना चाहिए। कल को आपकी बेटी ने भी किसी के घर जाना है, किसी की बेटी के साथ इस तरह का सलूक कीजिए कि वो आपके आगे मत आए। ये दुनिया है, अगले कदम पे आपके साथ वो सब कुछ हो जाता है जो आप छोड़ के जा रहे होते हैं। और ख़ासकर हम मुसलमानों का बिलीव है कि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा, इसलिए। और ख़ासकर हमारी एक एक्टर कम्युनिटी में, हम जितने भी एक्टर्स हैं शोबिज से मुंसलिक हैं, मैंने बहुत सारी जगहों पे सुना कि यहाँ पे शादियों की बड़ी प्रॉब्लम है कि शोबिज से हैं, शोबिज से हैं। इंसान इंसान है, कोई किसी शोबे से है तो कोई किसी शोबे से है। गुलाबो जैसी हज़ार लड़कियाँ हमारे पाकिस्तान में जो शादी की ख्वाहिशमंद हैं, हमें चाहिए कि हम सब मिल के नेक नीयती से, सिर्फ बेटी सोच के, ये मत सोचें कि कौन क्या करता है, ये देखें कि अल्लाह ताला ने उसको एक औरत बना के भेजा, और औरत का बहुत मकाम है। ऐसे तो नहीं उसके पाँव में जन्नत दी ना कोई मकाम तो अल्लाह ताला ने उसको अता किया है। इसी मकाम को देखते हुए सब बेटियों को एक नज़र से देखते हुए उनकी शादियों के लिए ज़रूर कुछ की। इंशाल्लाह गुलाबो, आपकी जो अम्मी अबू है ना, वो आपका मुझसे ज्यादा अच्छा रिश्ता ढूंढ सकते हैं। नहीं गुलाबो, ये नहीं करना, आपका रिश्ता ढूंढेंगी तो फिजा ढूंढेंगी। ये आपने प्रॉमिस लेके जाना है आज ऑन एयर सबके बीच में। भाई मैंने ऑन एयर जो है यहाँ पे प्रपोज करवा दिया था, अब आप समझ सकते हैं आगे क्या कहानी होगी, क्या सिलसिला शुरू होगा। तो फिर मेरी तरफ से खुदाफिस, और इधर प्रपोज हो चुका है, अब ये मुकर नहीं सकते, ये सीढ़ी मैं बता रहा हूँ, लड़का ऐसे कहेगा, और जीतते रहिए। आओ चले भी भाई।